क्या दोस्तों आपके पास सैमसंग का कीपैड वाला मोबाइल है, ब्लूटूथ सेटिंग उसमें करना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं सैमसंग डॉस में ब्लूटूथ का ऑप्शन कैसे लाएं? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए, सैमसंग गुरु आपका 1200 हो, चाहे कोई भी सैमसंग का कीपैड फ़ोन हो, ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ में ये रहा, ठीक है, ये सैमसंग गुरु 1200 है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सैमसंग कीपैड मोबाइल ब्लूटूथ सेटिंग। तो जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ ढूंढ लेते हैं ब्लूटूथ को, और तब तक आपको इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाए, ठीक है। सही जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी, कभी भी फेक जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। तो इसमें हम यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे कॉल वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट वाला है, म्यूजिक वाला है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज वाला है, फाइल है, ठीक है, फाइल इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका कैलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, रेडियो है, गेम है, अलार्म है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मीमो है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप सब चीज़ें देख लेंगे। सेटिंग भी आपको जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कहीं पर भी इस फ़ोन में जाइए, सैमसंग के कीपैड वाले फ़ोन में आपको कॉल यानी कि ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप इसे लेके भी नहीं आ सकते हैं। मैंने बहुत सारी YouTube पे वीडियो देखी, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे देखा जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल ऑप्शन एक है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो यहाँ से इस तरीके सिक्योरिटी के PC, इस तरीके से आप यहाँ USB करके इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने PC से इसे, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर से। तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं है ब्लूटूथ का सैमसंग के गुरु 1200 में, या दोस्तों कोई भी कीपैड फ़ोन है सैमसंग का, उसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। कुछ फ़ोन हैं उनमें दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैंने यहाँ पे आपको स्पष्ट जानकारी दे दी है, आप फालतू की वीडियो ना देखें, ठीक है। आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं दिखा चुका हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।